सभी भाई बहने और मातृशक्ति पूरे देश के, जिन्होंने एक बिट्टू बजरंगी को सपोर्ट ना करके एक धर्म के लिए आगे बढ़े। और बिट्टू बजरंगी कोई व्यक्ति नहीं है, बजरंगी का मतलब जो हनुमान को माने, प्रत्येक नौजवान सनातनी सब बजरंगी है। मेरा मतलब ये जिन्होंने समाज और धर्म के लिए मेरा साथ दिया, मैं उनका हमेशा जीवन भर ऋणी और आभारी रहूंगा। सभी भाई हिंदू एकता बनाए रखें और यही हमारा मकसद है, हिंदू एकता रहेगी सारे प्रॉब्लम अपना। आपकी जो बैन हुई है उसमें लिखा गया है कि आप पब्लिक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर नहीं दे सकते, उस पर कायम रहेंगे आप? ये तो राम जाने, लेकिन मैं बहन बेटी समाज और कानून को ध्यान में रखते हुए निरंतर कार्य धर्म का और गौ माता को बचाने का काम निरंतर हमारा जारी रहेगा। जैसा कि संगठन ने आपका साथ छोड़ दिया था, आपको कैसे पता साथ छोड़ दिया, ये फालतू की बात है। कोई कुछ भी बोले, सब साथ है, सब साथ। स्वागत हो रहा, क्या कहेगा? ये स्वागत मेरा नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ, ये स्वागत बिट्टू बजरंगी एक व्यक्ति जैसे व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है। ये बजरंगी, बजरंगी का मतलब सारे जितने भी हनुमान जी को मानते हैं सारे बजरंगी हैं। तो ये सभी का, जो मेरे जितने मेरे भाई परिचित हैं, नहीं परिचित हैं, पूरे देशवासी सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हिंदू एकता बनाए रखें, अपने आप सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। बिट्टू जी पहले की तरह जैसे काम करेंगे। और एक विशेष बात, मेरे जो एडवोकेट जिन्होंने मुझे निकालने में अहम भूमिका निभाई, एलन परासर जी, उनका भी मैं बहुत बहुत, और अशोक बाबा जी, उनका बहुत बहुत आभार और हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि गौ माता उन पर भी आशीर्वाद बनाए रखी। मेरा जब तक प्राण रहेगा सचिन तेंदुलकर की तरह छक्के लगे रहेंगे। ना ना, जब तक मैंने प्राण रहेंगे, श्री राम का आशीर्वाद और कानून को ध्यान में रखते हुए मैं निरंतर कार्य करता रहूंगा, दिन रात एक दिन। जेल जाने के बाद डरे हैं या हौसला बढ़ाया आपका? नहीं, जेल का मतलब क्या, हमारे महापुरुष भी जेल गए हैं, डरने की बात नहीं है। देखो कठिनाई आती है, लेकिन कठिनाइयों से आगे एक दिशा मिलती है काम करने के लिए, उत्साह मिलता है। तो हमें भी पूरे देश में जो जागृति फैली, उससे भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हिंदू समाज को, जिन्होंने एक संगठित होकर एक अपनी आवाज उठाई और एकता बनाए रखी। इसी में सकती है प्रशासन की कार्रवाई को क्या कहेंगे? आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, रक्षाबंधन आजाद हुए हैं, बहन आपका इंतजार कर रही थी। मेरी बहन ने मुझे दोपहर में ही राखी बांध कर मुझे आशीर्वाद दे दिया था जेल में आके, और मैं रिहा हो गया। वो बंधन टूट के मैं रक्षाबंधन में आके अपने घर पे आ गया।